अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हट्टा भी इसका हो रहे भाई, जॉब है, अच्छी सैलरी है, जबरदस्त सेविंग्स भी है, फिर माँ का साथ रिश्ते नहीं आ रहे क्या रे मेरे को? रिश्ते नहीं आ रहे तेरे को? मेरे को तो 4-5 रिश्ते आए, लाइट लेके छोड़ दिया। तेरे को जॉब भी नहीं आ रहे, रिश्ते कहाँ से आ रहे? अरे मोटे, रिश्ते आने के लिए जॉब नहीं, किस्मत होना, किस्मत होना। सब रिश्ते नाते उसके तोड़ दूं बस तुझे। अरे मैं क्या को लेके आ रहे बच्चे को देखने का तू? अरे पापा अकेले को जाके देख क्या बोले रे, मैं कभी अकेला गया? अरे तू मेरा दोस्त ना रे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, बैठिए। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। काजा भेजे सो आप ही छे क्या? जी जी अंकल। ये बचपन में देखा। क्या कर रहे हो? मैं सॉफ्टवेयर में हूँ अंकल। सॉफ्टवेयर? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना कमाते की? एक्चुअली मंथली 30 के अंकल, पूरे कटिंग जाने पर 22 के आ जाते अंकल। 22 के 22,000 22,000 22 के बना गया। इनो कौन है? ये किस्मत अंकल, मेरा दोस्त। किस्मत है? आप क्या करते की? ये गली के कोने पे टिफिन सेंटर है ना अंकल, किस्मत वो मेरा छे अंकल। हाँ वो आप लोग का है? अरे 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 वही जो तेको बोंडे पसंद नहीं, उनके बंडी से लाने का। अच्छा वहां से लाते हैं आप? जी। आपके बोंडे मेरा मतलब आपके बंडी के बोंडे बहुत पसंद मेरे को। पूरी जबरदस्त रहती है। वही बहुत आदमी आ रहे थे उधर, क्राउड कैसा रहता। हाँ फुल्लू चलता दुकान भी। कितना कमाते क्या आप? 15,000 कमा लेता हूँ अंकल मैं। महीने को 15,000 इच कमाने का? नहीं नहीं नहीं, दिन के 15,000। दिन को 15,000? अरे अकबर जी जो कोल्ड ड्रिंक ला रहे। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता अंकल। आपको नहीं, आपके लिए। हाँ अंकल इनोवा जी जो इनको पूछ रहा हूँ। आपका घर किधर है? कि टिफिन सेंटर के बाजू की छे अंकल, खुद का मकान मेरा। जाती मकान है? माशाल्लाह माशाल्लाह। बात करता हूँ जी, मैं फोन करके बात कर। अंकल खाजा भाई भेजे सो फरीद मई। आप रुको थोड़ी देर रुको। आप किस्मत है, हमारी बेटी की किस्मत बने तो हमारी किस्मत खुल जाती। खाजा भाई भेजे सो मेरे को फरीद सॉफ्टवेयर। आप रुको जी, आपको अच्छी बच्ची मिलती इंशाल्लाह, जल्दी शादी होती। आप रुको, मैं हम लोग बात कर दे लो, आपके घर वालों से आके बात कर दे। अच्छा। इंशाल्लाह रिश्तेदार हम बनेंगे। फिर और क्या बात करते, अल्लाह हाफिज। हाँ वो फल्ले की चटनी कैसा बनाते आप लोग? बहुत टेस्टी रहती वो आंटी। मैं आपको व्हाट्सएप पे रेसिपी भेज देता हूँ। चल रहे रही, मैं तेरे को साथ में आओ बोला, साथ में आने वाले को दाल लग जाओ नहीं बोला। वो मेरी किस्मत रे। कहाँ जा रहा रे? एक जबरदस्त रिश्ता आया, बच्ची बहुत अच्छी है, परी परी के जैसे दिख रही रे। उन लोगों के घर वालों से मिलने जा रहा हूँ। कैसा जा रहा रे? कार में जा रहा हूँ। किसकी कार रे? मेरी कार रे। तू कमाना इस 20,000 कमा रहा, कार कब लिया रे? बिनोमो एप्लीकेशन बोल के एक एप्लीकेशन है रे, उसमें पैसे इन्वेस्ट करा, एडिशनल इनकम कमाया, उससे लिया कार। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहा एडिशनल इनकम के लिए, कोई ये नहीं बता रहा कि इसको इस्तेमाल कैसा करे। देख पट्टे, तेको डर है गलत कदम उठा के पैसे नुकसान करता हूँगा बोल के, मैं समझ सकता हूँ रे। इसलिए बिनोमो लेके आया 10 दिन का ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें दुनिया भर से टॉप ट्रेडर्स रहते हैं। बहुत आसान तरीके से 10 दिन के अंदर इन लोग समझा देते कि ट्रेडिंग कैसा करना, और इन लोग क्लियरली समझा देते अपन चार्ट को कैसा एनालाइज करना। और पट्टे इन लोग ये भी समझाते ट्रेडिंग कितना सिंपल है और ये कैसा काम करता, और चार्ट एनालाइज करते करते ओपनिंग डील्स पे डिसीजन कैसा लेना भी समझा देते। जनरली अपन ट्रेडिंग करके पैसे कमाना बोल के सोचते देख रहे, वो सोच से लेके प्रॉफिट्स, एडिशनल इनकम जनरेट हुए बाद फर्स्ट इनकम रिसीव हुए तक अपने साथी रहते, अपने गाइड करते, बहुत आसान कर देते तरीका। इसलिए अपने को बिनोमो कोर्स प्रोवाइड कर रहा, वो कोर्स अपने को पूरा समझा देते, वो कोर्स अपन ध्यान लगा के सुन के ट्रेडिंग कैसा करना, कैसा एडिशनल इनकम जनरेट करना, ध्यान लगा के सुने तो अपन ट्रेडिंग कर ले सकते, आराम से कमा सकते। वो सुने बाद भी अगर तू ट्रेडिंग करके लॉस हुआ बोलता उन भी कुछ भी नहीं कर सकते, तू भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान से सुनना ट्रेडिंग कैसा कर रहा है, उन कैसा समझा रहे, समझना। समझा मामा?
कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, बट सिंपल एंड क्लियर है। बिनोमो जो है फ्री ट्रेडिंग कोर्स कई को दे रहा अपने को समझाने के लिए, ट्रेडिंग कैसा सिंपल है, वो कैसा काम करता, समझा? तू भी ज्वाइन हो जा, आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ, ट्रेडिंग करो, एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम कमाओ। लेट कई को कर रहे, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है फ्री ट्रेडिंग कोर्स का, जाके दबाओ, ज्वाइन हो जाओ। हेलो जाहिद, अरे मेरे को नहीं रहता अरे शादी करना बोल के डॉक्टर, अरे मेरे अंदर कुछ भी डिफेक्ट नहीं है रे, समझा? रिश्ते नहीं आ रहे, मैं क्या करना बोल। रफी की शादी, उन मेरे से 3 साल छोटा ना रे। अरे एक मिनट, मैं करता रुक। अरे रिश्ते वाले रशीद भाई, एक मिनट इधर आओ ना भाई। क्या बेटा? क्या हुआ रशीद भाई? प्रणाम कर। बोल बेटा। क्या हुआ रशीद भाई, 6 महीने हो गए अब तक रिश्ता सेट नहीं करे। नहीं जम रहा तुम्हारे को रिश्ता, बच्चों का पसंद कर रहे, पसंद ही नहीं कर रहे। वो एनआर अमेरिका गए सवाल है, सऊदी को गए सवाल है, कनाडा गए सवाल है, वो क्या की कोरियन सीरीज BTS चिकने गोरे उन लोगों को पसंद कर रहे, अपन काम पसंद आ रहे नहीं आ रहे। शाहरुख खान के ऐसा, सलमान खान के ऐसा, ऋतिक रोशन के ऐसा, संजू बाबा के ऐसा ही फोटो उतर के भेज रहा हूँ ना रशीद भाई। उतर के बिजाना नहीं, उल्लू के जैसा रहना, अभी बोल रहा हूँ उल्लू के जैसा रहना ना। वो 5 चाप वाली बच्ची, अरे रिजेक्ट कर दियो ना रिजेक्ट। वो मैकेनिक रहीम भाई की बच्ची, उसके से शादियों के पेस्ट है ना, उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। आफरीन, आफरीन को तो अभी रिश्ते जमा क्या रहा हूँ मैं, बच्चा सऊदी में रहता। बच्चियों को मैं पसंद आना बोल तो क्या करना रशीद भाई। अमेरिका जा, वीजा ला ले वीजा, वहां जाके ग्रीन कार्ड बोल तो वहां का रेशन कार्ड है भाई, फोन कर दो परियां, सोम परियां को लाइन में लगा दो। अमेरिका बोल तो नहीं होता रशीद भाई, ना होता तो अकेला रहा। अकेला अकेला जिंदगी नहीं करती रशीद भाई। करती यार, वो मेरी नहीं करती, मैं तो शादी नहीं कर लिया। टेंशन न को ले, 4-5 साल लगे तो भी होता, रिश्ता जमता लो। हाँ रिश्ते जमाने वाले को रिश्ता नहीं मिला अब तक। अस्सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, हमारे मामू तो इत्तला दे दिए ना बच्चे की दूसरी शादी बोल के। हाँ बच्चे का सेकंड मैरिज कहते ना, बोल दिए इसके मामू। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? तेरे को कुछ प्रॉब्लम है रे? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बच्ची को बुलाइए। बेटा तबस्सुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम अम्मा, वालेकुम सलाम। कहाँ तक पढ़े अम्मा? जी मैं BTEC करी। आपको पूरा पकवान आता? हाँ पूरा पकवान आता, और आप लोगों को अच्छा देख लेते। जॉब कर रहे बेटा? वो जॉब करेंगे सोच रही थी, आप नक्को बोल तो नहीं करती। शादी के बाद जॉब करना है तो करो बेटा, हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या बेटा? हाँ बिल्कुल जी, शुक्रिया आंटी। तू कुछ बात करता रे। वो आपके फर्स्ट हस्बैंड को क्या हुआ? हमारे फर्स्ट हस्बैंड इंतकाल हो गए। अयो कैसा हुआ? वो उन्होंने मेरे से झूठ बोल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, मैं हल्लू पीछे से जाके चूरी से कश कश बोक दे के मार दी। 3 महीने चंचलगुड़ा जेल में रह के परसों मिचाई। मम्मी कश कश बोल के भोग दी कहते, 3 महीने जेल भी कहते, ऊपर से मर्डर भी करी कहते। नको मम्मी रिश्ता नको, जाएंगे चलो। आपकी बच्ची बहुत तमीज की दिख रही, मैं फोन करती ना भैया आपको, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। क्या बेटा ऐसा बोल देते बेटा, डर गए ना वो लोग? पापा क्या भी करो उनसे शादी करो। अरे अरे रुको 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 बेटा। सलाम अलैकुम हसीन आपा। वालेकुम सलाम। आए रिश्ते वाले रब्बानी भाई, बोलो। हसीन आपा 3 साल से फिर रहा हूँ तुम्हारे पीछे, आखिर कैसी बहू हो ना जी? मेरे बच्चे को देखे कभी? लो बजट ऋतिक रोशन दिखता हूँ, स्टाइलिश देखो, मिनिमम उसके पड़े पे 30-40 लाख लाइट लेके खर्च कर दी मैं, 80,000 कमा रहा महीने को, 80 समझे, मिनिमम 10 करोड़ देने वाले रहे तो बोलो। 10 करोड़ तो मुश्किल है सीना पा, कौन देते बोलो आजकल? 10 करोड़ देने वाले मिले तक मेरी बेटी की शादी नहीं करती, देख मेरे नजर लगता रहते को तो।
बहुत मुश्किल होती जी। दोनों आपका काम ही ढूंढने का ना, अच्छा पैगाम लाओ, कमीशन ले रहे ना। देखता हूँ मैं पैगाम आ रहा तो बोल तो। अच्छा अल्लाह हाफिज फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह वालेकुम। बेटा तेरे को 10 करोड़ दिला दी। हाँ। 2 years later। आए रिश्ते वाले रब्बानी भाई, पैगाम लेके आए नहीं, खाली हाथ हिला लेता है। अरे हसीना बाप, कौन देते जी 10 करोड़, बहुत मुश्किल हो रही। वालू डॉक्टर कार्तिका रंग के जैसे वाले को 10 करोड़ नहीं देते, तुम्हारे बेटे को देते, क्या देख के देते 10 करोड़। ठीक है 8 करोड़ फाइनल करो। 8 करोड़ कोई भी देने वाले है तो शादी करती मेरे बेटे को, नहीं तो नहीं करती। अरे बहुत मुश्किल दिख रहा जी, नहीं होता मैं बोल रहा, देखो क्या होता कि वो ले ले जाके बता देता हूँ। आपका काम क्या है? पैगाम ढूंढना। ढूंढो ठीक है, कमीशन ले रहा ना। ढूंढ रहा हूँ मैं क्या करूँ, मेरी कोशिश मैं करता हूँ। मेरा बेटा देखो कितना अच्छा है, उसको 8 करोड़ तो मिनिमम देना। अब जाओ, अभी क्या देख रहे सूरज। अच्छा ठीक है। 5 years later। आए रब्बानी भाई, लाए नहीं पैगाम। हसीना का 8 करोड़ बोल तो बहुत मुश्किल हो रहा, बच्चे नहीं मिल रहे थे किधर भी, उस पर से बच्चे को पेट आ रहा। पेट है तो क्या, आदमी स्ट्रांग रहता उन्हें मालूम। स्ट्रांग इन कुछ भी नहीं, पेट करते तो मन में पेट है तो कैसा जी। रब्बानी भाई एक 5 करोड़ लास्ट 5 करोड़ दिलाओ। अरे 10 करोड़ के डिमांड से 5 करोड़ का है, ये बीच में हल्के से 50 सर्जन कर दिया मैं। अरे बच्चे को बच्ची नहीं मिल रही, तुम लोग ये क्या डिमांडों पे डिमांड जाते हैं, उम्र हो जा रही थी, कर लो जल्दी, अच्छे बच्चे हैं बाहर। तुम ज्यादा बात न करो रब्बानी भाई, तुम दुन्ना तुम्हारा काम है, कमीशन ले रहे ना। बेटा 5 करोड़ देखो, 5 करोड़। अरे कैसा होता है क्या होता है, ठीक है फिर मिलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है फिर। तो बराबर लेता, बड़े बात ना करो तो पहले। 10 years later। रब्बानी भाई वो 5 करोड़ देने वाले मिले नहीं, कहाँ से मिलता 5 करोड़ बोल तो मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता तुम्हारे बेटे का। लास्ट 1 करोड़। तुम्हारे करोड़ा करोड़ा के चक्कर में मेरी जवानी पूरी जंगल हो जा रही। रब्बानी भाई हमारे अम्मी के बात न तो सुनो, 1 रुपया नहीं तो नहीं, लेकिन बच्ची हुई तो बस है, जिंदा रही तो बस है। ये बात बोल रहे अच्छी है वैसा भी, अब इतनी उम्र में कहां से मिल जाएगी बच्चियां, बहुत मुश्किल होती वैसा भी। रब्बानी भाई तुम ही देखो भाई प्लीज भाई। मगर एक बच्ची है, मगर बेवा है, कर लेते बोल दो, अल्लाह का नाम लेके कर लो। हाँ ऐसा कैसे रहता, मेरा बेटा ऋतिक रोशन के जैसा रहता। अम्मी ऋतिक रोशन जाके राकेश रोशन हो गए मम्मी, ये बच्ची भी चले जाती, फाइनल कर दो रब्बानी भाई, फाइनल कर दो। अच्छा ठीक है मैं कल काट लूं। और क्या 5 दिन में रिश्ता फिक्स कर लेंगे, उन लोगों को बेहतर लगा दे दूं। ओके फिर मेरी फीस 10,000 है फीस। हाँ देखो भैया मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भोला भाला है, मजबूत है, लाखों में एक है मेरा बेटा। क्या है ना देखो हमारे खानदान में लेन देन लेते नहीं, लेकिन बच्ची को रूम का सामान दे दो फर्नीचर, और बच्चे के गले में सोना दे दो, जमीन कुछ भी रहे तो भी दे दो, और बच्चे को कौन सी गाड़ी हो ना बेटा, बर्कमैन। बर्कमैन की क्या, कि वो गाड़ी भी दिला दो बच्चे को, बस से हमारे खानदान में लेन देन लेते नहीं। डिमांड ना तो बड़े बड़े है, आखिर बच्चा क्या करता तुम्हारा, बोल ना बेटा क्या करता। की विप्रो, विप्रो मालूम, विप्रो। विप्रो, विप्रो के ओनर, उसके बाजू में अमेज़न मालूम, अमेज़न वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बगल में जो टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा उसमें काम करते आप। हाँ उसके नीचे चाय बंडी है, चाय सिगरेट मस्त बिकते, चाय की बंडी। डिमांड तो हवा में है, बच्चा देखो जमीन पे है, एकलौती एक मेरी बेटी, उतनी अच्छी खूबसूरत मेरी बेटी को ये चाय वाले को देके करो। अंकल क्या बात कर रहे हो तुम, मैं कुछ भी बोलो, मेरा कलर को कुछ भी बोलो, मेरे बॉडी को कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे प्रोफेशन को कुछ भी नको बोलो। अम्मी तुम कर लो बोलते, मैं ये शादी नहीं कर लेता हूँ। ठीक है बेटा भैया रहने दो, मट्टी पड़ो, आजकल अच्छे लोगों को दिना नहीं है बेटा, चल जाएंगे चलो दूसरी गाड़ी। चलो, चलो।